नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे BLDC और PMSM दताई किट का डिफरेंशियल के साथ, सिंगल गियर डिफरेंशियल के साथ रिव्यू करेंगे। फिर कभी जब दोबारा वीडियो बनाएंगे तो आपको डबल गियर भी दिखाएंगे 2 किलोवाट तक का। अभी हम आपको 2 किलोवाट तक के सिंगल गियर में दिखा रहे हैं, 1 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट तक PMSM और BLDC। ये जो है 1 किलोवाट का मोटर है BLDC में, वोल्ट 1000 वाट। वेट जो है इसका 8.2 kg के आसपास है, 8.2 kg। हालांकि उसका मैंने वेट चेक नहीं किया है प्रॉपर, लेकिन लगभग इतना ही है। इनका जो है सभी का वेट चेक किया है, पर उसका ध्यान नहीं है मुझे कितना है, लेकिन लगभग उतना ही है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये है 1200 वाट, वो 1000 वाट, ये 1200 वाट, 9.5 kg इसका वेट है। उसके बाद ये है 1500 वाट, 1.5 किलोवाट, 10.15 kg इसका वेट है। ये BLDC हैं तीनों 3 फेज में। उसके बाद ये है PMSM 1200, 1500, 2 किलोवाट। इनके साइज में भी आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा। इसका वेट, इसका 13.3 kg और इसका 14.8 kg। ये तीनों PMSM हैं और ये तीनों BLDC हैं। PMSM में जो है आपको कंट्रोलर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है, BLDC में रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं है। और PMSM में 3 स्पीड मोड भी है, BLDC में 3 स्पीड मोड नहीं है। बाकी NDR स्विच इसमें काम करेगा दोनों में। और ये वाला जो है BLDC, ये विदाउट सेंसर भी काम करता है। ये 1000 वाट की मोटर के लिए आपको मिलेगा और ये 1200 और 1500 वाट के लिए मिलेगा। NDR स्विच, न्यूट्रल ड्राइव, रिवर्स। रिवर्स मोड में जो है BLDC में सेम स्पीड रहता है, जबकि PMSM में स्पीड जो है हाफ होता है रिवर्स में। तो जिसको जैसी अपनी ज़रूरत के हिसाब से किट लेनी है वो वैसी ही ले सकते हैं। लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसका आप 700 kg कह सकते हैं, 800 kg और 950,000 kg के आसपास कह सकते हैं। इसका जो है 800 kg, 900-2000 kg और ये है 1300 kg। ग्रॉस वेट लोडिंग कैपेसिटी, ग्रॉस वेट मतलब व्हीकल प्लस लोडिंग मटेरियल या पैसेंजर या जो कुछ भी है सब कुछ मिला के आप इससे जो है 3 व्हीलर भी बना सकते हैं, 4 व्हीलर भी बना सकते हैं, या अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ और प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मिनी ट्रैक्टर बनाना चाहें या फिर कोई जीप बनाना चाहें, ई रिक्शा, ई लोडर, वो कुछ भी बना सकते हैं। इसमें डिफरेंशियल साइज 42, 46 और 52 आपको मिलेगा सिंगल गियर में। इसमें जो है ऑयल डालना मैंडेटरी है, यहाँ से ये खुल के और ऑयल डलता है। इस पर लिखा भी है कि भाई प्रत्येक 2000 किलोमीटर पे इसको चेंज करना है। मोटर मैंने आपको दिखा दी, कंट्रोलर दिखा दिया, डिफरेंशियल दिखा दिया। ये DC-to-DC कन्वर्टर है, लाइट इंडिकेटर हॉर्न वगैरह के लिए, जो 48 या 60 वोल्ट को 12 वोल्ट 20 एम्पीयर में कन्वर्ट करेगा। ये कुछ इसका नट बोल्ट कनेक्टिंग एक्सेसरीज है डिफरेंशियल को मोटर से जोड़ने के लिए, इन्हीं के थ्रू जुड़ेगा। और ये वाला जो है यहाँ पर माउंट होता है आपकी कमानी वगैरह के लिए। ये ड्रम ब्रेक में है, मैकेनिकल ड्रम ब्रेक। चार बोल्ट हैं इसमें। और ये वाला जो है मीटर है, 48 60 दोनों में काम करेगा। बैटरी लेवल, वोल्टेज, स्पीड वगैरह और कुछ इंडिकेशन वगैरह जो है वो करेगा, लाइट हॉर्न वगैरह, लाइट के और जो इंडिकेटर होते हैं लेफ्ट राइट वाले उनका। ये पेडल थ्रोटल है या हैंड थ्रोटल, जो भी आप लेना चाहें वो ही आपको मिल जाएगा। ये 1-2-3 इलेक्ट्रॉनिक स्पीड जो है 1-2-3, ये PMSM में लगता है।
BLDC में 1-2-3 नहीं है, ये दोनों में लगेगा NDR न्यूट्रल, ड्राइव रिवर्स, न्यूट्रल में कहीं नहीं चलेगी, ना सामने ना पीछे, ड्राइव में सामने, आर में रिवर्स पीछे, यही फॉर्मेट होना चाहिए NDR का। बाकी जो है डिटेल आपको प्रॉपर डिटेल इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इसका पीक करंट बता रखा है 80 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर, और इसका जो है 80 एम्पियर के आसपास बता रखा है। 4860 दोनों में काम करेगा, ये भी 4860 दोनों में काम करेगा। BLDC जो आपको 1000 वाट तो 48 वोल्ट में मिलेगी, लेकिन 1200 और 1500 वाट आप जो है 48 या 60 में ले सकते हैं, ऑप्शनल जो भी आप लेना चाहें। PMSM आपको 60 वोल्ट में ही मिलेगी। लोडिंग कैपेसिटी मैंने आपको बता दी है, 1300 kg इसका बताया, इसका अलग बताया, उसका अलग बताया, सबका अलग अलग है। स्पीड की हम बात करें, 30 kmph से लेकर 40 kmph तक इनका स्पीड रहेगा, वो लोड पे डिपेंड करेगा और व्हील के साइज पे डिपेंड करेगा। अगर व्हील का साइज आप ज़्यादा बड़ा करते हैं तो स्पीड जो है बढ़ जाएगी, लेकिन उस कंडीशन में लोडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको देखना है। मान लीजिए कुछ लोग जीप बनाते हैं तो उनको स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, वज़न कम कैरी करना होता है, तो वो 2 kW यूज कर सकते हैं। मिनी जेप के लिए, बच्चों वगैरह के लिए तो छोटे वाले भी लगा सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो लगाना चाहें वही लगा सकते हैं। इस किट में क्या क्या आता है वो मैंने आपको दिखा दिया। PMSM में 12 आइटम आएंगे और BLDC में 11 आइटम आएंगे। ये 3-speed स्विच BLDC में नहीं आता, वो हट जाएगा। ये इसका कवर है PMSM वाले का, ये सामने से कुछ इस तरह का दिखता है, एयर कूलिंग डिज़ाइन है। इनका जो कूलिंग फैन है ये आपको हटाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हटाना। इनकी बाकी डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगभग मैं देने की कोशिश करूँगा, कुछ छूटे ना, कोशिश ये रहेगी। PMSM की एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा रहती है, इसकी तो 85 के आसपास रहेगी, 87 तक, लेकिन उसकी जो है 96% तक रहती है एफिशिएंसी। उसका रेट भी BLDC की तुलना में कुछ अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्योंकि उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है। इनकी लाइफ जो है PMSM की वो 30,000 hours 30,000 घंटे होती है, और BLDC की कम रहती है थोड़ी ही। दताई के बारे में बात किया जाए तो दताई जो है काफ़ी बढ़िया मोटर बनाती हैं, इनके डिफरेंशियल भी हैवी होते हैं, मोटर भी बड़ी शानदार रहती हैं। जो एग्जांपल के लिए हम बात करें तो इसका वज़न जो है 33 kg के आसपास है, 46 इंच का ये डिफरेंशियल है और 33 kg इसका वेट है। दूसरा कोई कंपनी का अगर आप डिफरेंशियल लेते हैं तो उसका वेट जो है आपको लगभग 22-23 या 24 किलो के आसपास ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसका इतना ज़्यादा फ़र्क है। वही अगर आप 52 इंच में लेते हैं तो उसका वज़न जो है 40 kg के आसपास है, 42 इंच वाला जो है उसका वज़न 31 kg के आसपास है, तो इतना क्वालिटी का जो है अंतर है। इनके गियर भी जो है वो बहुत ही रेयर ही ऐसा होता है कि ख़राब हो, नहीं तो ये लॉन्ग लाइफ है, सालों साल चलने वाली चीज़ है। प्रॉपर इसमें जो है ऑयल आपको डालते रहना पड़ता है 2000 किलोमीटर पर, बस उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल रिक्शा वाले गियर जो है ज़्यादा ओवरलोड होने पर वो टूट जाते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ये इसका हीट सिंक है PMSM वाले का, BLDC का दिखा दिया मैंने आपको। सभी मोटरें जो है पूरी तरह से वाटरप्रूफ हैं, सभी मोटरें पूरी तरह से वाटरप्रूफ हैं। कंट्रोलर जो है वाटर रेजिस्टेंट है, कंट्रोलर को पानी से बचा के रखना है, हवा लगे ये ज़रूरी है,
हवा लगनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं कि आपको पानी पे ये थोड़ा बहुत पानी इस पर डल गया तो ये खराब हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छींटे गिरते रहें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पानी में डूबना नहीं चाहिए, कंट्रोलर पानी में डूबना नहीं चाहिए, मोटर आप पानी में डुबो के चला लो चाहे ये वैसी ही चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्रोलर नहीं डूबना चाहिए। और डिफरेंशियल तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, डिफरेंशियल आप डुबोते रहो चाहे। अगर कहीं जंग वगैरह आपको लगता है कि भाई लग रहा है वहाँ पर यहाँ पर, तो आपको जो है स्प्रे कर लेना चाहिए। मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, कहीं से वो पेंट हट गया है या कुछ और हो गया है, वहाँ पर स्प्रे आप करते रहें, उससे लॉन्ग लाइफ रहेगी डिफरेंशियल की। मैकेनिकल ब्रेक है वो मैंने आपको दिखा दिया है, 42 इंच में है, 180mm ड्रम है। इन सभी का प्राइस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं, एक एक डिटेल के साथ मैंने प्रॉपरली बताया गया है। बाकी फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं किसी भी किट को, तो आप कुरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। कोई आके लेना चाहे अपनी शॉप पे तो आके ले सकता है, नाई वाला करोल बाग में, आपने सुना होगा करोल बाग दिल्ली में है, और नाई वाला जो है करोल बाग के अंडर आता है। नाई वाला में ये 38 नंबर स्ट्रीट में है, 38 नंबर गली में। जब भी आप आएँ तो मंडे को मार्केट बंद रहता है, बाकी आप कभी भी आ सकते हैं। आने से पहले इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे बता के ही आइएगा ताकि मैं आपको यहाँ पर मिल सकूँ। कोई आके लेना चाहे तो मैंने आपको बता दिया है, आके ले सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये स्टॉक में अवेलेबल है। जब भी आप आएँ तो पूछ ज़रूर लीजिएगा कि भाई वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ स्टॉक में है कि नहीं, ताकि आपका आना जाना जाए आना जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।